चलते चलते हंसते गाते यूं कटे सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। ये शब्दों का संसार है, इस पर सबका अधिकार है। सृजन पर जिनके चरण पड़े उनका जीवन साकार। नमस्कार, सफर जिंदगी का शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं श्री दयाल परमार, ये गीतकार हैं। तो आइए हम आपसे इनको रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः गुजरात कच्छ का रहने वाला हूँ। वहाँ से हम बचपन में आ गए और कोटा में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, सरकारी नौकरी में आया और फिर ट्रांसफ़र होते होते मैं छबड़ा, अभी वर्तमान में मैं छबड़ा में ही रह रहा हूँ जो जिला बारा में है। जी परमार साहब, आपके जीवन में गीत और कविताओं का आगमन कैसे हुआ? देखा जाए तो ये हमारा एक पुश्तैनी मामला है। मेरे दादाजी गीत लिखते थे और इकतारे पर खूब गाया करते थे। फिर मेरे चाचा जी भी गाने लगे और मेरी माँ भी बहुत अच्छे गीत गाती थी। वो सुबह घट्टी पीसती थी तो उनके साथ बड़े मधुर गीत गाती थी। मैं जब बाल छोटा था तब मैं भी उनके पास बैठ जाता और उनके सुर में सुर मिला करके गीत गाया करता था। सर, गीतों में आपकी प्रेरणा कौन रही और इसमें आपको किन किन किस किस का सहयोग? जैसा आप जानते हैं, ये माँ शारदे की कृपा से ही सब होता है। मैं नौकरी के साथ साथ मुझे काव्य गोष्ठियों में जाना और उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता था। एक मेरा गीत बहुत अच्छा मैंने लिखा था, मैं तो उसे अच्छा ही कहूँगा, तो वहाँ एक गिरधारी लाल जी मालव एक हाड़ौती के मूर्धन्य कवि हुआ करते थे, उन्होंने मेरा गीत सुना तो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि और भी लिखा करो, हाड़ौती में भी लिखने का प्रयास करो। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा मुझे अपनी शरण में ले लो राम, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के और अपना शिष्य माना और मुझे गीत की बहुत मामूली मामूली जी बारीकियाँ थी ना वो समझाने का प्रयास किया। हालांकि वो हाड़ौती के गीतकार थे लेकिन हिंदी भी अच्छी थी उनकी। उनके गीतों को मैं सुन सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और मेरी पहली प्रकृति जो है मंथन, वो उनके आशीर्वाद से ही संपन्न हुई, प्रकाशित हुई। इसके बाद में जो फिल्मी गीतों की बारे में बात करूं, तो मेरे आदर्श में स्वर्गीय कवि शैलेंद्र जी रहे हैं और कवि प्रदीप जी रहे हैं। मेरे गीतों में जो देशभक्ति के गीत हैं वो कवि प्रदीप जी के, और जो लावण्य के हैं मधुर गीत हैं, और एक जो कबीर जैस की लेखनी की तरह से गीत हैं वो शैलेंद्र साहब की उसमें छाया है, उनकी छाया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। सर, छोटे छोटे मंचों से निकलकर मुंबई बॉलीवुड में आपका गीत लेखन कब से शुरू हुआ, ये सफर आपने कैसे तय किया? सुषमा जी, ये बड़ा रोचक प्रश्न पूछा आपने। मैं छोटे छोटे मंचों पर गीत गाता रहा और कई लोगों ने मेरे गीतों को सराहा। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मेरे गीतों को परख करके कहा कि छोटे छोटे मंचों पर पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर जीवन में आपको सचमुच कुछ करना है तो क्यों ना उधर बॉम्बे की तरफ आप अपना कदम बढ़ाएं। कुछ ऐसा ही मुझे साथ मिला और मैं अपने गीतों को लेकर मुंबई एक बार गया। तब मैं नौकरी करता था। अच्छा। वहाँ गया तो कुछ लोगों को मैंने मेरे गीत बताए, उन्होंने गीत पसंद भी किए, लेकिन सब लोग कहते होते थे गीत बहुत अच्छे हैं आपके, मगर जहाँ मौका देने का मामला आता तो सब पीछे हट जाते थे क्योंकि वहाँ पर कोई मेरे को जानने वाला था। शहर में अपनी पहचान बनाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई पर्क करने वाले नहीं है, बहुत है। उन्होंने से कुछ अरूप बनर्जी साहब हैं, दिनेश अर्जुना साहब हैं, अनूप जलोटा साहब हैं, उन्होंने मेरे गीतों को पढ़ा और अपने रिदम पर उन्होंने नाप करके देखा, उन्होंने कहा गीत तो अच्छे हैं, लेकिन आपको ना ये बहुत दिनों पहले आना चाहिए था, क्योंकि आपके गीतों के अंदर जो बात है वो सन 70, 80 और 90 दशक के गीत हैं आपके। खैर, उन्होंने कहा कि इसमें भी हम, और उन्होंने मुझे मौका दिया। अरूप बनर्जी साहब ने भी मुझे एक गीत की फिल्म के लिए गीत लिखवाए, दिनेश अर्जुना साहब ने भी मेरे दो एल्बम बनाए, एक अभी नई फिल्म उनकी आ रही है जिसमें उन्होंने मुझे करीब 3 गीत लिखने का उन्होंने ऑफर दिया है, और अनूप जलोटा साहब ने तो मेरे 6 गीत आध्यात्मिक लेकर और एक एल्बम बनाया है जी, जो जल्दी ही आने वाला है। आपके गीतों को मुंबई में सुरताल वहाँ ये सब माँ की कृपा है, माँ शारदा की कृपा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? सुषमा जी, अभी तक मेरी 2 पुस्तकें गीतों की प्रकाशित हुई है, एक 2007 में मंथन, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, देशभक्ति के भी गीत हैं, यानी उस पर उसमें मैंने हर एक विषय को टच में किया, और उनमें से कुछ गीत बहुत लोगों के होठों पर चढ़े। उनमें से एक रिमझिम रिमझिम जो गीत है वो तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, बहुत लोकप्रिय हुआ है। साथ ही मेरी दूसरी पुस्तक सृजन पथ पर, उसमें से अनूप जलोटा साहब ने जो गीत लिए हैं वो उसी में से लिए हैं, और जो दिनेश अर्जुना साहब ने गीत लिए हैं वो भी उनमें से 2 गीत उनमें से हैं। इस तरह से सिलसिला चल रहा है, और आगे भी एक मेरी पुस्तक तीसरी सपने अपने अपने, वो जल्द ही आने वाली है, बिल्कुल तैयार है, पांडुलिपि तैयार है, कुछ विद्वानों को दिखा रहा हूँ, और वो जल्दी ही आप लोगों के पास। परमार साहब, हमारी भी आपको शुभकामनाएं कि आपका ये गीतों का सिलसिला जारी रहे और आप यूं ही नए नए गीत लिखते रहें, वो लोकप्रिय हो, हमारी ये शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के और श्रोताओं के कृपा से ही मैं ऐसे गीत लिख रहा हूँ कि बहुत पसंद करते हैं आप लोग, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद मेरा। सर, आपके गीत सर धर्म समानता लिए आध्यात्मिक गीत हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कोई गीत सुनाइए। अवश्य अवश्य सुनिए, मेरा एक आध्यात्मिक गीत है चुनरिया। मेरी कोरी नई नको, मेरी कोरी नई नको, रत्न जड़े हैं चारों ओर, अभी ये चुनर ओढ़ी ही थी, अभी ये चुनर ओढ़ी ही थी, ये दुनिया खींचे अपनी ओर, ये दुनिया खींचे अपनी ओर, मेरी कोरी नई नको, दास कबीर बुनी ये चुनरी, रही मन धागे जोड़ी चुनरी, दास कबीर बुनी ये चुनरी, दास कबीर बुनी ये चुनरी, रही मन धागे जोड़ी चुनरी, अभी रैदास निचोड़ी ही थी, अभी रैदास निचोड़ी ही थी, ओढ़ के मीरा भाव विभो,
ओढ़ के मीरा भावी भो मेरी कोड़ी नहीं नको। सफर जिंदगी का है, तो इसमें हम आपसे भी आपकी जिंदगी के बारे में कोई ऐसा रोचक पल कोई हुआ हो तो हम आपसे जानना चाहेंगे, उस तथ्य को आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी हाँ, मैं जरूर बताऊंगा। सुषमा जी, यूं तो जिंदगी में हर पल ही कुछ न कुछ सिखा के जाता है। मेरी जिंदगी में इसके लिए थोड़ा बहुत पीछे हटना पड़ेगा। मैं एक वाक्या मुझे याद आ रहा है। बचपन में मैं जब छोटा था तो एक मेरा साथी के साथ मैं साइकिल चलाना सीखता था। तब छावनी चौराहे से और एरोड्रोम से आगे तक भी सड़कें बिल्कुल सूनी रहा करती थी, बिल्कुल सूनी और बहुत चौड़ी थी, लोगों का आवागमन कम था। तो हम साइकिल सीखा करते थे, तो हम रोज देखते थे कोटा के जो महाराजा हैं, महाराजा स्वर्गीय महाराजा भीम सिंह जी, वो अपनी विंटेज कार में बैठकर रोजाना शाम को भ्रमण पे निकलते थे। हम उन्हें रोज देखते और दूर से प्रणाम करते थे। लेकिन एक दिन हमारे दिलो दिमाग में एक बात आई कि कुछ ना ऐसा कुछ किया जाए कि हम राजा साहब को नज़दीक से देखें। ये बात हमारे मन में एकदम से कौंधी और हम दोनों ने सलाह करके, वो जो साइकिल चला रहे थे ना हम, वो साइकिल हमने रोड पर गिरा दी और गिरा करके और हम खड़े हो गए। थोड़ी देर में उनकी कार नज़दीक आई और साइकिल के पास आई। उन्होंने देखा कि दो बच्चे ये साइकिल को गिरा कर क्या कर रहे हैं। कार रुकी और उसमें से एक दरबान निकले और हमसे पूछा डांट कर, ये क्या हो रहा है। तो हमने उनसे कहा कि कुछ नहीं, हम बस गीत गा रहे हैं। ऐसे कह करके हम तेजा जी के गाना गाने लगे। दोनों जने हम नाचने लगे, झूमने लगे और खूब घुमेरी खाका करके नाचने लगे। हांडी में तो उंडो उंडो गाजर घोड़ी जिया, हांडी में तो उंडो उंडो गाजर घोड़ी जिया, हांडी में तो उंडो उंडो गाजर। इस तरह करके हम यूं करके खूब नाचने लगे, दोनों जने खूब नाचने लगे। तो वो राजा साहब भी अंदर से कुछ देखे और हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बच्चे बड़ा झूम रहे नाच रहे हैं। तो उन्होंने एक उन्होंने उसको बुलाया पास में दरबान को और कहा कि भाई ये क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब राजा खुश हुए दरबार जी, तो उन्होंने दस दस के दो नोट निकाल कर दरबान को दिए और कहा कि जाइए आप उन बच्चों को दीजिए। जब वो दरबान दस दस के दो नोट लेकर के हमारे पास आए तो मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। वो मेरा मित्र तो लेने लगा लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा देखो, अगर ये रुपया देना है तो दरबार खुद अपने हाथ से देंगे तो लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। यूँ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, दरबार थोड़ी देते हैं, उन्होंने तो भेजे। मैंने कहा नहीं, हम तो दरबार के हाथ से लेंगे, हम जिद पेड़ के बाल हटे। तो फिर वो चले गए दरबार, उनका हुक्म ये तो आपके हाथ से लेना चाहते हैं, तो उनका दरवाज़ा खोलो। तो दरबार ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुला तो दरबार बाहर निकले और हम दोनों जने दौड़ करके दरबार के हम पांव पड़ गए। वो पल ऐसा रोचक पल था कि इसकी कोई मिसाल नहीं। एक राजा को इतने नज़दीक से देखना और उनके चरण छूना और उनके हाथ से इनाम प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। हमारे आंखों में से आंसू निकल आए जब उन्होंने दोनों हम दोनों को दस दस का नोट दिया और सर पे हाथ रखा। फिर हमने पुनः उनके पहुँच हुए और तो हमें ऐसा लगा सुषमा जी कि सर हमें कोई खजाना मिल गया हो। अब हम दोनों ये सोच रहे थे, हमने साइकिल खड़ी की, ट्रैक्टर हटाई और दरबार निकल गए। वही झंडी लहराती हुई हमने सोचा कि अब ये
10 का नोट जो है दिया है, ये हम किसको दिखाएं और कहाँ रखें? बड़ा मन में एक उत्साह सा पैदा हुआ। दरबार से लिया हुआ खजाना था वो आपका, तो वो बड़ा एक अजीब गरीब लगा। और हम वहाँ से साइकिल से ताबड़तोड़ घर पर आए और अपने घर वालों को बताया कि देखो हमें ये 10 का नोट मुझे दिया है और भैया को दिया है। ये वाक्य जो ऐसा है कि इसको मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। परमार साहब, साहित्य समाज को दिशा देता है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सुषमा जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। साहित्य समाज का आईना है, दिशा देता है। जितने भी हमारे बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने इस बात को आत्मसात किया है, तभी तो इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए। और आज मैं एक छोटा सा साहित्यकार हूँ, लेकिन मेरा भी ये दायित्व है कि मैं ऐसा लेख लिखूँ कि आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिले। और मैं साथ ही सभी मेरे साहित्यकारों से मैं ये आग्रह करूँगा कि इस समय अच्छे साहित्य की अति आवश्यकता है, इसलिए हमें मिलकर के और ऐसा साहित्य लिखना चाहिए कि नए आने वाली ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा मिले, यही मैं कहना चाहूँगा। सर, आपने देशभक्ति पर भी लिखा है, तो आप हमारे दर्शकों को कोई देशभक्ति गीत सुनाइए। जरूर, मैं एक गीत के लिए प्रयास करता हूँ। ये जो गीत है मेरी दूसरी कृति सृजन पथ पर, उससे है ये। मैं आपको पूरा गीत सुनाता हूँ। लाल किले पर चढ़कर कह दो ये सारी दुनिया से तुम, लाल किले पर चढ़कर कह दो ये सारी दुनिया से तुम, मन में बापू चरखा काटे तार नहीं टूटेगा सुन, तार नहीं टूटेगा सुन। लाल किले पर चढ़कर कह दो ये सारी दुनिया से तुम, मन में बापू चरखा काटे तार नहीं टूटेगा सुन। तन पर धोती सत्य की सोटी लेकर निकल पड़ा था संत, दिव्य दृष्टि से देख रहा था अनाचार का होगा अंत, सच का अंकुर फूट पड़ा जिस कण को लगा हुआ था घुन, सच का अंकुर फूट पड़ा जिस कण को लगा हुआ था घुन, जिस कण को लगा हुआ था घुन। लाल किले पर चढ़कर कह दो ये सारी दुनिया से तुम, मन में बापू चरखा काटे तार न ये टूटेगा सुन। अंकुर से कई पौध निकल कर फसलें लहलाती हैं आज, देख ईर्ष्या लोगों की अपनी छाती पर गिरती है गाज, अंकुर से कई पौध निकल कर फसलें लहलाती हैं आज, देश देख ईर्ष्या लोगों की अपनी छाती पर गिरती है गाज, कैसे उगती फसल उजाड़े पशुओं को भेजे चुन चुन, और कैसे उगती फसल उजाड़े पशुओं को भेजे चुन चुन, पशुओं को भेजे चुन चुन। लाल किले पर चढ़कर कह दो ये सारी दुनिया से तुम, मन में बापू चरखा काटे तार नहीं टूटेगा सुन। अंतिम बंदे इसका, हमको सारी दुनिया जाने खून खराबे से है दूर, पाठ अहिंसा पढ़े पढ़ाए शरणागत रक्षक मशहूर, हमको सारी दुनिया जाने खून खराबे से है दूर, पाठ अहिंसा पढ़े पढ़ाए शरणागत रक्षक मशहूर,
मेहमानों के लिए सदा मन में रहती सेवा की धुन, मेहमानों के लिए सदा मन में रहती सेवा की धुन, मेहमानों के लिए सदा मन में रहती सेवा की धुन, मन में रहती सेवा की धुन। लाल किले पर चढ़कर कह दो ये सारी दुनिया से तुम, लाल किले पर चढ़कर कह दो ये सारी दुनिया से तुम, मन में बापू चरखा काते तार न ये टूटेगा सुन, तार न ये टूटेगा सुन। सर बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी। इसमें हमें ये भी है कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया है, वो आपकी इस कविता में पूरा पूरा सार्थक हमें नजर आ रहा है। परमार साहब, आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सुषमा जी, आपका और स्वरांजलि संस्थान का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मेरे जीवन के रोचक तथ्य जानने का प्रयास किया। मैं अंतःकरण से आभारी हूँ। सुषमा जी, जो प्रसिद्ध हैं उन्हें तो आप यहाँ बुला ही रही हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध नहीं है उन्हें भी आप ये मंच दे करके उनका जो मनोबल बढ़ा रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। ये बहुत अच्छा कार्य है जो आप कर रहे हैं और कृपया इसे जारी रखिए। सफ़र ज़िंदगी का है ये, के दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक आभारी हूँ, धन्यवाद।